नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत और आप देख रहे हैं आज तक न्यूज 24। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रतलाम से, जहां पर डिप्टी रेंजर रतलाम तनवीर खान द्वारा आवेदक सुलेमान खान निवासी शेरानीपुरा रतलाम में लकड़ी की गाड़ी छोड़ने के एवज में जुर्माने के नाम पर 1,20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर आवेदक डिप्टी रेंजर रतलाम तनवीर खान को 70,000 रुपए दे चुका था। शेष राशि 50,000 में से 25,000 की रिश्वत लेते आवेदक को वन मंडल कार्यालय रतलाम बुलाया था, जहां पर डिप्टी रेंजर रतलाम तनवीर खान को लोकायुक्त उज्जैन के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा और टीम द्वारा 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से, जहां पर बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा यातायात और नगर पालिका का अमला। मौके पर सब्जी विक्रेता की फेंकी सब्जियां, फूलमाला की दुकान के बाहर से भी हटाया गया अतिक्रमण। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।